ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज से शुरू हुए टीका महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम। वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। एक तरफ कड़े दिशा निर्देश लागू करके और जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाकर संक्रमण पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के बनने के तुरंत बाद 16 जनवरी से देशव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया गया। आज से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलने वाला टीका उत्सव इन्हीं प्रयासों की एक अहम कड़ी है। बृहस्पतिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, तय करें हम टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें, और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 4 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए सभी देशवासियों से 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर देते हुए इन 4 सिद्धांतों पर बल दिया। ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो लोग स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते उनकी मदद करें। ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास साधन नहीं है, जिनके पास जानकारी कम है और कोरोना के इलाज में उनकी सहायता करें। ईच वन सेव वन, यानी मैं खुद भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सुरक्षित करूं और दूसरों को भी सुरक्षित रखूं। और चौथी अहम बात, कोरोना की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है वहां परिवार समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना संक्रमण के खिलाफ दूसरे बड़े युद्ध की शुरुआत है। उन्होंने अपील की कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न निकलें। उन्होंने आग्रह किया कि परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाएं संभालें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन 4 दिनों का टीका उत्सव व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर जनभागीदारी से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस टीका उत्सव में शामिल होने और टीका लगवाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है। अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है। समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर बाई चांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से, आपकी जो बीमारी है इतने डेवलप ना हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े, इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है। जाने माने फिल्म अभिनेता सचिन खेड़कर ने कहा कि लोगों को उत्साह के साथ इस अभियान में भाग लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोरोना का फैलाव बहुत बढ़ चुका है और इसे रोकने के लिए हम मास्क लगाना, हाथ साफ करते रहना और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की त्रिसूत्री का पालन कर रहे हैं। पर साथ ही में हमारे देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। हमें सरकार के इस अभियान में शामिल होना है। जो भी लोग टीका लेने के लिए पात्र हैं उन्हें गुजारिश है कि आप अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर लें। ये सुरक्षित है और इससे हम खुद को, हमारे परिवार को और हमारे देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं।
यूनिसेफ ने लोगों में टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और टीके के प्रति भ्रम दूर करने के लिए अभियान शुरू किया हुआ है। यूनिसेफ की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर ने आकाशवाणी के साथ जानकारी साझा की। The formative research done in January 2021 tells us that there are four major bottlenecks to vaccine demand. One is the low risk perception of communities towards taking the vaccine. Two is the low vaccine awareness itself. Three is the low trust in the vaccine. And lastly is the fear of side effects. UNICEF is working with the government and other important stakeholders to address these bottlenecks of vaccine hesitancy. UNICEF is rolling out the digital campaign to build public support and raise local awareness about the value and effectiveness of vaccines. विभिन्न राज्यों में आज प्रशासन के प्रयासों और नागरिकों की भागीदारी से टीका उत्सव शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव राज्य में 6000 केंद्रों पर चलाया गया और कल यह टीकाकरण 8000 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को सख्ती से आगे बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें टीकाकरण केंद्र पर अपना पंजीकरण कराकर टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। एमएस यादव, लखनऊ। बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 4 दिन में 4 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बड़ी संख्या में टीकाकरण के लिए अतिरिक्त प्रबंधन किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी लक्ष्य निर्धारित किया है कि इन 4 दिनों में राज्य के 51 जिलों में इस उत्सव के माध्यम से व्यापक स्तर पर टीकाकरण होगा। गुजरात में अब तक 89 लाख लोग वैक्सीन की खुराक ले चुके हैं। अब लक्ष्य है कि इस टीका उत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवासीय सोसाइटियों में भी टीकाकरण शिविर आयोजित की जा रही है। इस बीच गुजरात में कल कोविड-19 के 5000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2535 मरीजों को ठीक होने के साथ विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक 1409 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज किए गए, जबकि सूरत में 913 मामले सामने आए। राज्य में कल 49 मरीजों की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने आज उत्तर गुजरात के पाटण जिले में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। योगेश पंड्या, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में इस टीका उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है और भारी संख्या में टीका केंद्र लोग पहुंच रहे हैं। टीका उत्सव के लिए मुंबई वासी काफी उत्साहित है और उनके अनुसार इस उत्सव के कारण टीकाकरण के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न हो रही है। कई लोगों ने कहा है कि ये टीका लगवाने के बाद इस महामारी से लड़ने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मुंबई को कल और 99,000 टीके मिलने के कारण टीकाकरण मुहिम को ज्यादा गति प्राप्त हुई है। मुंबई में आज टीका लगवाने पहुंचे नागरिकों ने टीकाकरण की व्यवस्था के बारे में संतोष जताया है। इस दौरान महाराष्ट्र के प्रधान स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने कहा है कि राज्य ने आज कुछ देर पहले अब तक 1 करोड़ टीके लगवाने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हर दिन 70,000 से ज्यादा टीके लगवाने वाला पुणे राज्य की टीकाकरण मुहिम में सबसे आगे है। शैलेश पाटिल, मुंबई। असम टीका उत्सव के दौरान 1,92,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। अब तक 14.5 लाख से ज्यादा लोगों को राज्य में टीका लग चुका है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात की जाए तो 14 तारीख तक चलने वाले इस विशेष अभियान को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यापक तैयारी है। इस तरह से देखा जा सकता है कि संपूर्ण देश इस अभियान से जुड़ गया है। भारत में टीकाकरण अभियान के नतीजे दर्शा रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता है। नतीजतन विश्व के दूसरे देशों की तुलना में सबसे ज्यादा भारत में 85 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और इस टीका उत्सव से भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को और बल मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 की रोकथाम के लिए आज से शुरू हुए टीका महोत्सव पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।